केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बाइक रैली के मौके पर सभी विरोधियों पर हमला भी किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने आजादी की परिभाषा बदलने की कोशिश की थी, देश ने उन्हें सबक सिखा दिया। रैली का हिस्सा है सर, आप जब तिरंगा देखते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है? वही ख्याल में आता है जो हमारे पूर्वज आज से 75 साल पहले आजादी का उन मन में उत्साह लिए हुए कुर्बानी देने का काम किया, त्याग तपस्या करने का काम किया। आज हम उनके सपनों का भारत, उनके सपनों की उम्मीदों को तिरंगा के रूप में लेकर के एक उत्सव मनाने चले। जब आप लोग छोटे थे तो कैसे उत्सव मनाते थे आजादी का? वो तो गजब का उत्साह था, पता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब सेना पर भी गालियां देने लगे, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे तो देश को आश्चर्य होने लगा। कहीं आप देखते हैं कि कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है तो क्या मन में ख्याल आता है? देखिए साहब, आज देश को जब तक अपने पूर्वजों को नहीं याद करेंगे, उनके कुर्बानी को, तब तक इस तिरंगा के प्रति हमें मोह नहीं होगा, उसके प्रति अपनापन नहीं आएगा। उन्हें क्या अपनापन आएगा जो सेना को गाली देते हैं, जो सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब तो आजादी मिल गई, अब जश्न मनाने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि सबसे जरूरत अभी है? आज इजराइल से सीखना होगा कि देश की राष्ट्रीयता किसको कहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से बात की इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। सर, आज फख्र का दिन है, देश को आजादी मिल चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा ख्याल आता है मन में कि इस आजादी का मतलब क्या है और आपके लिए क्या मतलब है? इस आजादी का मतलब है कि हर भारतीय आगे मजबूती से बढ़ सके, खुले आसमान में हमारे संविधान के तहत कायदे कानून से आगे बढ़ सके, और हर भारतीय देश को मजबूत करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे। जिस तरह से उस समय आजादी के परवानों ने देश को आजाद कराया, अपना बलिदान दिया, आज भी भारत बलिदान मांगता है अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से। तो प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि जो तिरंगा सरकार तक रुका हुआ था वो तिरंगा घर घर पहुंचे। सर, जब आप छोटे थे और जब आप फौज में थे तो कैसे आजादी का जश्न मनाते थे? देखिए, आजादी का उत्सव तो हमेशा बड़ा शानदार होता था, चाहे हम उसको किताब के अंदर तिरंगे को बनाए, कागज पे तिरंगे को बनाए, या फिर हाथ में तिरंगा लेके लहराए। और मैं तो सैनिक रहा हूँ, मैं तो खिलाड़ी रहा हूँ, तो मेरा तो जीवन ही तिरंगे के साथ निकला है। जब हम कसम खाते हैं तो तिरंगे के ऊपर कसम खाते हैं, जब हम शहीद होते हैं तो तिरंगे में लिपट कर आते हैं, जब हम खेलते हैं तो छाती पर तिरंगा बना होता है, और जब जीतते हैं तो तिरंगा लहराता है। बताइए, तिरंगा दूर कहाँ गया? सर, आजादी से जुड़ा हुआ कोई आपका गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हो, जो आपको सबसे पसंद है? वैसे देखिए, आप बड़े रूखे सूखे व्यक्ति से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना किस तरीके से? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।